हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी एकेडमी। और मैं हूं आप सबकी दोस्त इंदु चौहान। ठीक है, अब आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरजेएस की आंसर की। जो भी क्वेश्चन पेपर आया था, जितने भी लोगों ने दिया था, नहीं भी दिया था तो भी आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, और जिन लोगों ने दिया है वो अपनी आंसर कीज मैच कर लीजिए। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अटैच्ड टू द अर्थ डजंट मीन, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर जहाँ पे हम ये डेफिनेशन है अटैच टू द अर्थ का मतलब क्या होता है, तो उसमें कौन सी चीज़ कवर नहीं होती है। ठीक है, इस बार आरजेएस के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग, विच इज़ करेक्ट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो यहाँ पे अटैच टू अर्थ के अंदर कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है? ट्रीज, ऑफकोर्स ट्रीज आर अटैच टू अर्थ। श्रब्स, ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो अटैच टू अर्थ। ग्रोइंग क्रॉप्स, दे आर नॉट अटैच टू अर्थ। एंड वॉल्स और बिल्डिंग्स आर अटैच टू अर्थ। ये तो बहुत सिंपल था, मतलब एक जनरल आदमी भी बता सकता है कि ग्रोइंग क्रॉप्स आर नॉट अटैच टू अर्थ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। ठीक है, क्या आंसर है? आंसर सी है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है वो सीरीज ए का है। ठीक है, जिनके पास भी सीरीज़ ए आई थी ये वो क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब जो लोग सीरीज़ बी के हैं, ठीक है, बी सी और डी, अब सीरीज़ बी के अंदर ये क्वेश्चन आपको सेकंड नंबर यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर टू होगा ये। और जो सी सीरीज़ वाले हैं उनका ये क्वेश्चन नंबर है 21। एंड सीरीज़ डी में ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर थ्री पे है। ठीक है, सीरीज़ ए वालों का तो ये क्वेश्चन नंबर वन है, सीरीज़ बी में ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू है, सीरीज़ सी में क्वेश्चन नंबर 21 है, और सीरीज़ डी में ये क्वेश्चन नंबर थ्री है। मैं एक बार समझा रही हूँ, बाकी सबके अंदर मैं साइड में सीरीज़ के आगे वो क्वेश्चन नंबर लिख दूंगी, आप समझ जाना, आंसर यहाँ पे मेंशन करूँगी। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? दैट अंडर विच अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अटैच टू अर्थ डजंट मीन इज द ग्रोइंग क्रॉप्स। सो आंसर इज सी। हिंदी वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं आंसर क्या है, आपका थ्री होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर टू की सो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैप्टर एट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी टीपीए का चैप्टर नंबर एट किससे रिलेट करता है? ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम। नीचे दी गई चारों स्टेटमेंट्स में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? दिस चैप्टर अप्लाइज टू द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नॉट फॉर द टाइम बीइंग बाय लॉ और कस्टम और नेगोशिएबल। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मीन्स आंसर यहाँ पे क्या होगा? दैट इज वन। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है? आंसर इज वन। ठीक है, देन दिस चैप्टर डजन अप्लाई टू द मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट ऑफ अ टाइल ऑफ गुड्स। ऑफकोर्स इट अप्लाइज टू, ये एकदम करेक्ट है, सॉरी डजन अप्लाइज टू। देन ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं यू कैन रीड इट आउट, ये तीनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि टू थ्री एंड फोर आर करेक्ट। सो आंसर यहाँ पे क्या हुआ? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? यानी वन, यानी आंसर क्या है आपका? दिस इज वन। अब सीरीज बी में, ठीक है, सीरीज बी के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 18। सीरीज सी में ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपको 26 पे मिलेगा, और जो सीरीज डी है उसमें आपको एक क्वेश्चन नंबर 23 पे मिलेगा। ठीक है, एवरीवन कैन चेक जो आंसर, यानी कि ए सीरीज वालों का तो क्या है? क्वेश्चन नंबर टू है ये। टू का आंसर क्या है? वन, दैट इज दिस चैप्टर अप्लाइज टू द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर फॉर द टाइम बीइंग बाय लॉ और कस्टम और नेगोशिएशन। दिस इज द रॉन्ग आंसर, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आंसर एकदम करेक्ट है, माय बैड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री यानी सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज करेक्ट। अगेन वापस से वही सेम, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब आपको गिफ्ट से रिगार्डिंग क्या बने करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट क्या है? गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन फ्यूचर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली विदआउट consideration. So of course this is a wrong statement. ठीक है, correct statement नहीं है. Transfer is known as a donee. Transferor is known as a donee. Transferee is known as a donor. गलत. A donee dies
इफ अडोनी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज वॉइड. करेक्ट, अगर वो पहले हो जाता जो गिफ्ट होता है वो वॉइड होते, नन ऑफ द ऑप्शन. ये तो कह रहे हैं क्योंकि ये क्या है, ये जो ऑप्शन यानी कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर. इफ द डोनी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज वॉइड, यानी कि क्वेश्चन थ्री का आंसर क्या है, थ्री, दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब जो सीरीज बी है उसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 29 है, सीरीज सी के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 10 पे मिलेगा आपको, और सीरीज डी के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा 18. दिस इज 18. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्लियर. अब बढ़ते हैं आगे. चलिए अब हम बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फोर की. क्वेश्चन नंबर फोर, सीरीज ए का क्वेश्चन फोर, द रिपीलमेंट ऑफ राजस्थान प्रमाइसेस कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1950, यानी पहला एक्ट, बाय सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, बाद में जो आया, अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दी गई इन चारों में से कौन सी चीज़ को 2000 यानी सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ द राजस्थान एक्ट 2000, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 ने इफेक्ट किया. ठीक है, दैट इज क्या होगा, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, टू एनी थिंग ड्यूली डन और सफर्ड अंडर द एक्ट 1950, टू एनी राइट एक्वायर्ड अंडर द एक्ट 1950, टू एनी फाइन इनकर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट 1950. इनमें से लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. क्या इन तीनों स्टेटमेंट्स में से किसी भी स्टेटमेंट को इस पर्टिकुलर एक्ट ने क्या इफेक्ट किया, तो आंसर क्या है इसका, डी, नन ऑफ द ऑप्शंस, यानी कि इन जो दी गई तीनों स्टेटमेंट है इनमें से किसी भी चीज़ को इफेक्ट नहीं किया है, तो इसका आंसर क्या है, डी. फोर्थ का आंसर क्या है, डी, दैट इज मतलब फोर, सॉरी वो क्या है, मेरे को ए बी सी डी की आदत है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आंसर फोर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर. अब हम बात करते हैं इसकी, यानी कि सीरीज बी में ये जो क्वेश्चन है वो आपको 24 मिलेगा, सीरीज सी के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा, और सीरीज डी के अंदर ये आपको फिफ्थ क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है, और आंसर क्या रहेगा इसका, फोर्थ वन, यानी नन ऑफ द अबव ऑप्शंस. चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ऑन एप्लीकेशन अंडर द सेक्शन 22E ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, कोर्ट फी शैल बी पेबल, यानी कि कितनी कोर्ट फी पेबल है अंडर द सेक्शन ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट. सो क्वेश्चन फाइव सीरीज ए, क्या आंसर है इसका, आंसर इज 2, दैट इज 100 रुपीज़. कितना पेबल है, कितनी फीस पेबल है, 100 रुपीज़. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी के अंदर मिलेगा 25 पे, और सीरीज सी में मिलेगा 28 पे, और सीरीज डी के अंदर मिलेगा यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, सो और इसका आंसर क्या है, 2, दैट इज 100 रुपीज़. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे, अंडर द प्रोविजन ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्विजिट रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ अ रेंटेड प्रमाइसेस, यानी कि अब अगर किसी भी रेंटेड प्रमाइसेस की क्या करने जाते हैं, इंस्पेक्शन करने जाते हैं, तो इन चारों कंडीशंस में कौन सी कंडीशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिक्विजिट नहीं है, ज़रूरी नहीं है. सो सीरीज ए में क्वेश्चन नंबर 6 है, और हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर डी, यानी कि फोर्थ वन. ठीक है, यानी दिस वन, सच इंस्पेक्शन शैल बी कैरिड आउट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ टीनेंट, यानी कि जो टीनेंट होगा आप उसकी ही प्रेजेंस के अंदर इस इंस्पेक्शन को कैरी कर सकते हो. सो सीरीज ए में ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, 4. अब वैसे ही सीरीज बी में आपको ये जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन नंबर 13 मिलेगा, सीरीज सी के अंदर ये आपको क्वेश्चन नंबर 27 मिलेगा, और सीरीज डी के अंदर ये क्वेश्चन जो आपको है वो क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा. ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज ए का, अंडर द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, अगेन राजस्थान रेंट कंट्रोल का एक्ट,
का क्वेश्चन, एन एप्लीकेशन मेड अंडर द सेक्शन 23 शैल बी डिस्पोज्ड बाय द रेंट अथॉरिटी विद इन, कितने दिन में उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है हमारा 3, दैट इज 60 डेज में उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। कितने डेज में डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, सॉरी एम आई राइट, यस आई एम करेक्ट 60 डेज के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 22 क्वेश्चन, सीरीज सी में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन नंबर 29, और सीरीज डी के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सो आंसर क्या है, 60 डेज, ऑप्शन 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और द कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसका पोजेशन है मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी आर्टिकल का कंट्रोल है उसके पास, विच ही इज़ नॉट द ओनर, जिसका वो ओनर नहीं है, उसको आप कंपेल नहीं कर सकते, स्पेशली टू डिलीवर इट टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू इट्स इमीडिएट पोजेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी इन चारों केस के अंदर आप उसको किस केस में कंपेल नहीं कर सकते हैं, अपने को ये बताना है। ठीक है, सो जो इसका पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है वो है इसका, यानी 8th का क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इसका आंसर है, यानी कि दिस वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर ए, ऑप्शन 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 मिलेगा, सीरीज सी के अंदर यही क्वेश्चन नंबर आपको 11 मिलेगा, और सीरीज डी के अंदर यही क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 24 मिलेगा। आई होप क्वेश्चन 8 तक हम क्लियर हैं, बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग विद क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ सीरीज ए। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एनी पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच टेकन बाय इटसेल्फ कैन और ऑट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड स्टैंड्स ऑन अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट और ऑट नॉट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके दो पार्ट हैं, अगर एक पार्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाएगा जो कि सेपरेट है दूसरे पार्ट से, एकदम सेपरेट चीज़ है, वो उसी कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, दूसरे मतलब सेम कॉन्ट्रैक्ट का एक और पार्ट जो है जिसको स्पेसिफिक परफॉर्म करना नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, जो कोर्ट है वो क्या करेगी, डायरेक्ट कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ फॉर्म पार्ट, यानी कि जो पहला वाला पार्ट है जिसे करना ज़रूरी है स्पेसिफिकली, उसे परफॉर्म करने का डायरेक्शन दे सकती है। सो उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है 3, द कोर्ट में डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ फॉर्मर पार्ट। सो आंसर क्या है, 3। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, सीरीज सी में यही क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 14 मिलेगा, और सीरीज डी के अंदर यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यही है क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सीरीज ए। एनी सूट फाइल अंडर द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि कितने महीने में आप इस चीज़ को किसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, कोर्ट कितने महीने में डिस्पोज ऑफ करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 10 का बहुत ही सिंपल सा जो आंसर है वो है 3, दैट इज 12 मंथ्स। ठीक है, यही क्वेश्चन सीरीज बी में यही जो क्वेश्चन है वो सीरीज बी के अंदर जो है आपको जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये एक मिनट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, सीरीज सी में यही क्वेश्चन आपको मिलेगा 34। ठीक है, प्लीज़ ये ध्यान रखना जो मैं बोल रही हूँ उस पर सुन लेना अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो, सीरीज़ डी के अंदर यही क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार और, सीरीज़ बी सी एंड डी, सीरीज बी में ये क्वेश्चन नंबर 14 है, सीरीज सी में क्वेश्चन नंबर 34 है, और सीरीज डी में क्वेश्चन नंबर 29 है, और आंसर है 12 मंथ्स, दैट इज 3। ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11,
सीरीज ए का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन नंबर 11 की कौन सा जो है सेक्शन 2 के अंदर डिफाइंड नहीं है। इज इट बिल ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड, चेक और प्रॉमिसरी नोट। सो क्वेश्चन नंबर जो 11 का आंसर है वो है 3, दैट इज चेक। चेक इज नॉट डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी के अंदर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 32। यही क्वेश्चन सीरीज सी के अंदर आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4। और यही क्वेश्चन आपको सीरीज डी में कौन सा क्वेश्चन नंबर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, और आंसर क्या है, 3, दैट इज चेक। अब पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमें, अंडर द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है फर्स्ट, यानी कि जो टॉट की डेफिनेशन है वो यहाँ गलत दी गई है। टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दिस इज अ रॉन्ग डेफिनेशन। सो आंसर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, 1। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 34, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15, और सीरीज डी में मिलेगा यही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। टू इन्फोर्स द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज, यानी कि राइट ऑफ प्रीएम्प्शन के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होगा। वही डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है हमारा 4, दैट इज 1 ईयर। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में क्वेश्चन नंबर 15 मिलेगा, सीरीज सी में यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा, और सीरीज डी में यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 27 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अंडर द सेक्शन 15 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट एक्सक्लूजन ऑफ अ टाइम इज नॉट एप्लीकेबल टू, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन आया वापस से। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर है हमारा, दैट इज 2। क्या है, अपील्स, यानी कि जो अपील्स पे ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी के अंदर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 20, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 18, और सीरीज डी में यही क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। अंडर विच सेक्शन इट इज प्रोवाइडेड दैट इन ऑल द सिविल प्रोसीडिंग्स द हस्बैंड एंड वाइफ एनी पार्टी टू अ सूट शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। किस सेक्शन में, इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। इसलिए बहुत बार बोला जाता है कि प्लीज़ बैरक का इंडेक्स पक्का से तरीके से देख के जाया करें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सो इसका अगेन क्वेश्चन नंबर 15 का डायरेक्ट आंसर है, दैट इज 1, यानी सेक्शन 120 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दिस। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, सीरीज सी में यही क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 24, और सीरीज डी में ये क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11, और आंसर होगा 1, दैट इज सेक्शन 120 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट करेक्ट। वापस से बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, ऑफकोर्स इट इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी कि हमको 16 का आंसर क्या है यहाँ पे, 3, दैट इज अ कैरिकेचर इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, ऑफकोर्स इट इज अ डॉक्यूमेंट। नीचे की तरफ डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में ये चीज मेंशन है, दैट कैरिकेचर्स आर ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट हमने बचानी है। सो 16 का सीरीज ए क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज 3। यही क्वेश्चन सीरीज बी में मिलेगा आप लोगों को 4 क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। सीरीज सी में मिलेगा 35th क्वेश्चन, और सीरीज डी में यही मिलेगा आपको, अगेन 35th क्वेश्चन ही क्या है सीरीज डी में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सेक्शन 87 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोवाइड्स। क्या प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगेन वापस से एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सो 17 का एक सिंपल और सीधा सा आंसर जो है वो है हमारा 2, दैट इज प्रीएम्प्शन एज टू बुक, मैप एंड चार्ट्स। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ और जहां मजूल है नहीं इसके अंदर 17। ठीक है, अब सीरीज सी बी में
ये आपको क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 31। सीरीज सी के अंदर यही क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25 और सीरीज डी में यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 सीरीज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट करेक्ट। वापस से कौन सी इनमें से जो स्टेटमेंट है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। बहुत बार जो स्टूडेंट्स होते हैं ये वर्ड्स पढ़ना भूल जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ये गलती मैंने भी की है, मैंने एग्जाम दिया है तो अब आप लोग भी ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है हमारा 3, यानी कि द काउंटर पार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु एग्जीक्यूट देम कम्स अंडर द सेकेंडरी एविडेंस। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी देखो, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट सही है। प्राइमरी एविडेंस मीन्स अ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि खुद प्राइमरी डॉक्यूमेंट को खुद को वैसे ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर आपको प्रूव करने हैं तो आप किसी प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस के साथ प्रूव कर सकते हैं। बाकी सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या है, 3। यही क्वेश्चन सीरीज बी में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 26, सीरीज सी में यही क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 32 और सीरीज सी के अंदर यही क्वेश्चन मिलेगा, सॉरी सीरीज डी में वापस से मिलेगा क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रीएम्प्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी अंडर द सेक्शन 203 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल नॉट बी प्रिज्यूम्ड। यानी इन दिए गए स्टेटमेंट्स में आप कौन सी स्टेटमेंट को प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्रीएम्प्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है हमारा 4th one। ठीक है, यानी कि इन ऑल ऑफ द अबव केसेस आप ऐसा प्रीएम्प्शन ले सकते हैं, यानी कि इन सब में ले सकते हैं। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जिसमें आप प्रीएम्प्शन नहीं ले सकते, ऐसा कोई भी केस नहीं है ये। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो क्या है, 4। अब यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 30। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। एन एडवर्टाइजमेंट इज अ न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर्स। यानी कि जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आते हैं टेंडर्स इनवाइट करने के लिए, वो क्या है? प्रपोजल है, इनविटेशन टू कॉन्वर्जेशन है, प्रॉमिस है, इनविटेशन टू प्रपोजल है, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है वो है हमारा 4, दैट इज इन्विटेशन ऑफ अ प्रपोजल। ठीक है, 20 का आंसर क्या है, दैट इज 4, इन्विटेशन टू अ प्रपोजल। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 और सीरीज डी में यही क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 9। आंसर क्या रहेगा, 4, दैट इज इन्विटेशन टू प्रपोजल। बढ़ते हैं आगे, 1872 द रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन। वैलिड रेटिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है? वापस से एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन थे ये वाले तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर है हमारा, दैट इज ए, सॉरी दैट इज नंबर 1, दैट इज नॉलेज ऑफ अ करेक्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। ये एक रिक्विजिट यानी कि एक इम्पॉर्टेंट, एक रिक्वायर्ड कंडीशन है कि आपके पास जो करेक्ट फैक्ट्स हैं उस केस के, उसका नॉलेज होना चाहिए। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन सीरीज सी में मिलेगा यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 22 और सीरीज डी में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, द नॉलेज ऑफ द करेक्ट फैक्ट्स ऑफ द केस, दैट इज 1 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। दैट इज इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म द प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म प्रॉमिस और द डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये इनमें से कौन, अगर ये है क्या है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को, प्रॉमिस को परफॉर्म करना या किसी की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना थर्ड पर्सन की, उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज क्वेश्चन। वापस से एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है, दैट इज इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, क्या है ये, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है, आंसर नंबर 1 इज द आंसर। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो जाए, आंसर इज द 1। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, सीरीज सी में यही क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 23 और सीरीज डी में,
सॉरी 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 सॉरी, वापस वी विल बी बैक टू दिस. हाँ, क्वेश्चन सीरीज डी में आपको यही मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6, और आंसर क्या रहेगा? 1. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अ डिफेक्शन इज मेड, कौन से स्केड्यूल में ये बताया गया है? एक सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है क्योंकि स्केड्यूल्स पे हम लोग बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो क्या है? दैट इज 2. दैट मीन्स दैट इज 10th स्केड्यूल. ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी के अंदर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 30. सीरीज सी में यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 31. और सीरीज डी में आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 34. आंसर रहेगा 2, दैट इज द 10th स्केड्यूल. आगे डिस्कस करते हैं. सो टिल क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की. फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट हु आर टू सिट फॉर द पर्पज, मतलब कि अगर आपको सेक्शन आर्टिकल 143 के रिगार्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसकी हियरिंग है तो मिनिमम जजेस कितने बैठेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर क्या होगा? 2, दैट इज 5 जजेस विल बी सिटिंग टू हियर दैट केस. ठीक है, उस हियरिंग में कितने जजेस बैठेंगे? 5 जजेस बैठेंगे. ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी के अंदर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, और सीरीज डी में यही क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 20. एन आंसर इज दी 5 जजेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25. इफ फॉर द पीरियड ऑफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ अ हाउस इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स देयर ऑफ, अ हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट. कितने दिन तक अगर वो पर्सन वहाँ पे नहीं आता है, मीटिंग्स में नहीं आता है, तो उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर किया जाएगा. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर क्या है? दैट इज 3, दैट इज द 60 डेज. 25 का आंसर क्या है? 3, 60 डेज के अंदर अगर वो नहीं आता है तो उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5. सीरीज सी में यही क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 17. और सीरीज डी में यही क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 31. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? अंडर दी सीपीसी 1908, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. वापस से वही क्वेश्चन, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सो 26 का जो आंसर है वो है हमारा 4th, दैट इज द डिक्री इंक्लूड्स एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर. दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वापस से बहुत लोगों ने, मैंने गलती की है लिटरली, आप लोग नहीं कीजिएगा, नेक्स्ट बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखने वाली हूँ. ये नॉट करेक्ट और करेक्ट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है? दैट इज 4th वन, दिस इज द राइट आंसर. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 23. सीरीज सी में क्वेश्चन नंबर 1, एंड सीरीज डी के अंदर मिलेगा यही क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर. 27 का कह रहा है, अंडर द सीपीसी ऑफ 1908, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लीमेंटरी प्रोसीडिंग्स, कौन सी सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग नहीं है. सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या रहेगा हमारा? दैट इज द 4th वन, कौन सी सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग नहीं है. दैट इज ग्रांटिंग ऑफ अ परमानेंट इंजंक्शन, दिस इज नॉट अ सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग. यही क्वेश्चन, यानी कि आपका आंसर क्या है? आंसर इज दी 4th, 27th का 4. यही क्वेश्चन सीरीज बी के अंदर आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6. सीरीज सी में यही क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 19. और सीरीज डी में होगा, क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की. ठीक है, मैं ये थोड़ा सा रब कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा. वापस से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की. दैट इज की सीपीसी 1908, विच ऑफ द फॉलोइंग केस, किस नीचे दिए हुए जो भी ऑप्शन है उसमें से कौन सी चीज साइंड है एंड नॉट इंक्लूड स्टैम्प्ड, स्टैम्प्ड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो है 4th, दैट इज द जजमेंट. ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 17. सीरीज सी में ये क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6. और यही सीरीज डी में आपको जो मिलेगा वो है क्वेश्चन नंबर 26. ठीक है,
अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की. द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट. द डिस्प्यूट इज सेटल्ड बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. दे जॉइंटली फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू रिकॉर्ड द सेटलमेंट व्हिच वाज अलाउड. द सूट हैज डिक्लेयर्ड इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट. इज देयर एनी प्रोसीजरल इररेगुलरिटी. यानी कि क्या हुआ, एक प्रोसीडिंग थी रिप्रेजेंटेटिव सूट में, पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हुआ, उसके लिए उन लोगों ने एक एप्लीकेशन फाइल करी. अब इसके बीच में क्या आपको कोई प्रोसीजरल इररेगुलरिटी लग रही है? ठीक है, येस और नो आंसर दीजिए. सो क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वो है फोर्थ वन, कि हाँ इररेगुलरिटी है. कोर्ट कैन नॉट ग्रांट परमिशन विदाउट फॉलोइंग अ ड्यू प्रोसीजर बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव सूट. उनकी परमिशन के बिना एक रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं हो सकता है. ठीक है, यही क्वेश्चन यानी कि आंसर सीरीज ए क्वेश्चन 29 आंसर इज फोर्थ. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी के अंदर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 28. सीरीज सी में यही क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13. और सीरीज डी के अंदर आपको यही क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12. आंसर इज दी फोर्थ. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं. अंडर दी सीपीसी इन वन सिचुएशन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अ लॉयर बाय द पार्टी टू अ सूट व्हिच इज डीम्ड टू कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पार्टी. यानी कि कौन सी सिचुएशन के बाद में भी जो सूट है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी जो पार्टी है उसकी डेथ हो गई उसके बाद में वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी, कब तक कंटिन्यू रहेगी, हमें वो चीज़ बतानी है. सो क्वेश्चन नंबर 30 एंड आंसर इज दी वन. टिल द प्लीडर इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट द डेथ ऑफ द पार्टी. यानी कि जब तक जो प्लीडर है वो कोर्ट में बताएगा अबाउट द डेथ ऑफ द पार्टी, तब तक वो जो सूट है वो कंटिन्यू रहेगा. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी के अंदर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 30. ठीक है, एंड सीरीज डी में मिलेगा यही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13. वेट अ मिनट, लेट मी चेक इट आउट. यस, दिस इज 13, सीरीज डी में 13. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री लीगल एड. डायरेक्ट क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल जिसमें फ्री लीगल एड की बात की गई है. आर्टिकल 31 का आंसर है हमारा डी, दैट इज आर्टिकल 39A. 39A इज द करेक्ट आंसर. यही क्वेश्चन सीरीज बी में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 35, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32. द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर देन द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. एग्जामिन द करेक्ट आंसर. क्या ऐसा है? ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 30 डायरेक्टली पूछा गया है कि जो हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइडर है क्या सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन में. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वो है हमारा 1, दैट इज यस. जो आर्टिकल 226 है उसको इन्वोक किया जा सकता है टू एस्टैब्लिश द फंडामेंटल राइट्स एंड एनी अदर राइट, इन्वोक किया जा सकता है. सो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है दैट इज 1. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी के अंदर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 19, सीरीज सी में यही क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 20 और सीरीज डी में क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ सीरीज ए क्या कह रहा है. दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स. यानी कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन, यानी कौन सा रूल है जिसके तरीके से आप उस वर्ड को जज करेंगे, बाय द कंपनी इट कीप्स. सो क्वेश्चन नंबर 33 एंड आंसर इज 3, दैट इज दिस मैगजीन नॉसिट्योर अ सोलिस. ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी के अंदर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 21, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16 और सीरीज डी में ये क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 19. एंड ऑप्शन इज दी थर्ड वन, दैट इज दी नॉसिटर अ सोसिस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करते हैं. सीरीज ए उट रेस मैगिस वैलिट क्विम पेरिटे इज ऑल्सो नोन एज. इसको क्या कहते हैं? 34 का आंसर होगा हमारा आंसर इज टू, द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. यही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सॉरी सीरीज बी में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 और सीरीज डी में यही मिलेगा क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की. व्हाट इज मेंट बाय अ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन से आप क्या समझते हैं. ठीक है, 35 का जो आंसर है वो है हमारा थर्ड,
दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट बाय कोर्ट्स, यानी कि कोर्ट्स इंटरप्रिट करेंगे वो, ठीक है। सो यही क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था 35, सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 35 है वो आपको सीरीज बी के अंदर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 33 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर रहेगा थर्ड, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट बाय कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ए ट्राइड फॉर अ मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम हेड इन ट्रायल द इररिलेवेंट फैक्ट। अब इस ट्रायल में यानी कि ए ने क्या किया, इंटेंशनली बी को मर्डर किया उसके उसको शूट करके। अब इसमें क्या चीज़ इररिलेवेंट है, सो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो है हमारा आंसर नंबर 1, दैट इज ए हैज़ अ हैबिट ऑफ शूटिंग पीपल विद द इंटेंट टू मर्डर, यानी कि उसको आदत है लोगों को मारने की। दिस इज समथिंग दैट इज अ इररिलेवेंट फैक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 36 सीरीज बी में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 69, सीरीज सी में यही क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 49 और सीरीज डी में यही क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 60। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 है ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर अडल्ट्री विद सी, यानी अब देखो क्या है, ए है और सी है। अब जो ए है वो क्या करता है, बी को प्रोसिक्यूट करता है कि उसने अडल्ट्री कमिट की है उसकी वाइफ सी के साथ, यानी ए की वाइफ कौन है, सी है यहाँ पे। फिर जो बी है वो डिनाई करता है कि नहीं, सी तो कभी भी ए की वाइफ थी ही नहीं। अब कोर्ट क्या करता है, उसको अडल्ट्री के लिए कन्विक्ट कर देता है, ठीक है। बाद में जो सी है वो उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है बाइगेमी के लिए, कि बाइगेमी इन मैरिंग बी। अब ये बात आती है सामने, सी कहता है कि मैं तो कभी ए की वाइफ थी ही नहीं। अब जो जजमेंट है वो बी के अगेंस्ट वो क्या होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 37 आंसर इज 1, दैट इज इररिलेवेंट अगेंस्ट सी। दिस आंसर इज सॉरी दिस इज द जो जजमेंट है वो सी के अगेंस्ट क्या है, इररिलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर इज द 1 आंसर। सो यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 43, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 48 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 37। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम अ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब यहाँ पे देखो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर इज द थर्ड वन, यानी ब्रीच ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर इज अ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। ये एक नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, ये क्या है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी के अंदर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 45, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 40 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 क्या कह रहा है, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम इट अगेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का क्वेश्चन है और कौन सी स्टेटमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर के रिगार्डिंग करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 39 आंसर विल बी 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 एंड आंसर विल बी द 2 आंसर, सेकेंड आंसर इज द करेक्ट, यानी कि द पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर नॉट डिस्चार्जिंग द ड्यूटी ऑफ बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। सो ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन 2 दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 सीरीज ए, सीरीज बी में आपको यही क्वेश्चन मिलेगा 38, सीरीज सी में यही क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 67 और सीरीज डी में यही क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 17 एंड आंसर इज द 2, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से क्वेश्चन नंबर सेक्शन 17 से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो रूल्स सेक्शन 17 में बनाए जाते हैं वो कौन बनाएगा, ठीक है। सो 40 का जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 4th, यानी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी विद द अप्रूवल ऑफ सेंटर गवर्नमेंट। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 46, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 51 और सीरीज डी में मिलेगा यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर अगेन 51। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41। व्हाइल रिलीजिंग द ऑफेंडर्स आफ्टर द एडमोनिशन अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन बाई द कोर्ट, यानी कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो कोर्ट को ध्यान कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 41 एंड आंसर विल बी दी 1, दैट इज द नंबर ऑफ प्रीवियसली रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड. कोर्ट ये नहीं कंसिडर करेगा कि उसके रिगार्डिंग पहले कोई भी कितने भी केसेस रजिस्टर्ड हों. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीरीज ए क्वेश्चन नंबर 41 आंसर इज दी 1. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 40, और सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 59, और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 54. सो 41 तक हो गया, चलिए बढ़ते हैं. चलिए देखते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 42 सीरीज ए. सेक्शन 143 से लेके 147 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उनको कब इन्फोर्स में लेकर आया गया था. सो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी दी 2, यानी कि कब लेकर आया था, 6 February 2003 में. 42 का आंसर जो है वो हमारा क्या है, 2. ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 67. ठीक है, और यही क्वेश्चन आपको सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 47, और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 46. ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 की. फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंपनी डजंट मीन, किस कौन सी जो इनमें से कौन सी है जो कंपनी नहीं है. तो सेक्शन 43 का डायरेक्ट आंसर जो होगा वो है हमारा 3, यानी कि दिस वन इज द राइट आंसर. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर नॉट अ कंपनी. ठीक है, यही क्वेश्चन सीरीज बी में मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 50, यही क्वेश्चन सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 61, और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 68. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर हु मे नॉट बी डेजिग्नेटेड एज अ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि इनमें से किसको आप एज अ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर डेजिग्नेट नहीं कर सकते. सेक्शन 44 का आंसर है हमारा फर्स्ट, दैट इज हेड कॉन्स्टेबल को आप एज अ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर डेजिग्नेट नहीं कर सकते. यही क्वेश्चन सीरीज बी में मिलेगा 44, सेम क्वेश्चन सीरीज सी में मिलेगा 53, और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 47. ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द जे जे एक्ट. कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड है, क्वेश्चन नंबर 45, एंड द आंसर इज द थर्ड, दैट इज द 16 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड है. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 56, सीरीज सी में मिलेगा 66, और सीरीज डी में मिलेगा 49. ठीक है, बात करते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहे हैं, विच स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द सेक्शन 101 ऑफ द जे जे एक्ट 2005 इज रॉन्ग. वापस से रॉन्ग स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है. सेक्शन 46 का आंसर है वो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट, यानी अ सेकंड अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ सेशन पास्ड इन अपील अंडर द सेक्शन 101 क्लॉज 2 बिफोर द हायर कोर्ट. सो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 46 आंसर इज द 2. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन 59, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन 68, और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 40. ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, विच वेर एन ऑफेंस अंडर द जे जे एक्ट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 years, देन सच ऑफेंस शैल बी. यानी 3 साल से कम का ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट है तो आप ऐसे ऑफेंस को क्या कहेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 47 एंड आंसर विल बी 3, दैट इज इट इज़ अ नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल एंड ट्रायल बाय अ मजिस्ट्रेट. आंसर इज 3. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन 51, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 57, एंड सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 62. ठीक है, अब आगे बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 48 Z's will contain these words. I direct that all my remaining property will be equally divided between A, B and C. A dishonestly scratches out the B's name. ठीक है, Z ने कहा तीनों में बराबर property मान लो. Mr. A ने क्या किया, C का नाम जो था उससे scratch कर दिया. ठीक है, और जो बाकी जो property वो क्या हो गई, C की तरफ, उस खुद की तरफ और C को मिल गई. अब जो offense उसने A के against commit किया है उसको हम क्या कहेंगे, सेक्शन 48 आंसर विल बी 2, यानी कि उसने क्या किया है, फ्रॉजरी कमिट करी है. ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 47, सीरीज सी में यही मिलेगा क्वेश्चन नंबर 36, और सीरीज डी में मिलेगा वापस से क्वेश्चन नंबर 36.
ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 59, विद रेफरेंस टू द सेक्शन नंबर 19 ऑफ द इंडियन एविडेंस सॉरी इंडियन पीनल कोड, द कंसेंट ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या होता है, हमें ये बताना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है एंड आंसर विल बी दैट इज 4, यानी कंसेंट गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर द 12 ईयर्स ऑफ एज. सो आंसर इज द 4th. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 41, सीरीज सी में मिलेगा 64 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 61. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की. अंडर द सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 द डेफिनेशन ऑफ क्वीन वॉज रिपील्ड. कैसे क्वेश्चन, जो क्वीन है उसको रिपील किया गया था, डेफिनेशन क्वीन की डेफिनेशन को रिपील किया गया था, एंड दैट इज बाय द अडॉप्टेशन ऑर्डर 1915. ठीक है, सो आंसर क्या है इसका, 2 इज द आंसर. ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 61, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 43 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 59. ठीक है, आई होप क्वेश्चन 50 तक क्लियर हो गया आपको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का क्या आंसर है, 65, सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन पीनल कोड की बात करी है यहाँ पे. सो क्वेश्चन नंबर 51 आंसर इज द 1, दैट इज नॉट एक्सीड द 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस. यानी जितनी भी मैक्सिमम फिक्स कर रखी है उस ऑफेंस के लिए, जो भी इम्प्रिजनमेंट है उसका 1/4 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 65, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 42 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 57. ठीक है, सो 51 आंसर इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 आईपीसी का क्वेश्चन है, व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड फॉर अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शेल एक्सीड 3 months, यानी 3 महीने का एक्सीड करता है तो उसमें से जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो कितने दिन का, कितने दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. सो क्वेश्चन नंबर 52 आंसर विल बी 2, यानी कि 14 दिन से ज़्यादा आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते हैं. ठीक है, सो यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 57, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 60 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 48. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय अ ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर ऑफिसर इन कंफॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ, वर्क डन बाय ए कम्स अंडर विच जनरल एक्सेप्शन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट. कौन से एक्सेप्शन के अंडर ये चीज आएगी. सो क्वेश्चन नंबर 53 एंड आंसर विल बी 1, दैट इज एक्ट डन बाय अ पर्सन बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय द लॉ. यानी कि वो लॉ की तरफ से क्या था, बाउंड था. 53 का आंसर क्या है, 1. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 63, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 52, क्या मिलेगा क्वेश्चन नंबर 52. ठीक है, और सीरीज डी में मिलेगा यही क्वेश्चन अगेन वापस से 52. ठीक है, आंसर क्या है, 1, एक्ट डन बाय अ पर्सन बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय अ लॉ. नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन नंबर 54, फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 363A ऑफ आईपीसी द माइनर मींस, माइनर का मतलब क्या है, कौन सी एज बेसिकली बतानी है. सो क्वेश्चन नंबर 54 एंड आंसर विल बी द 3, दैट इज अ फीमेल अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज. क्वेश्चन नंबर 54 एंड आंसर विल बी 3, दैट इज द फीमेल अंडर द 18 ईयर्स ऑफ एज. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 54 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 38. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, ऑफेंस अंडर द सेक्शन 232 ऑफ द इंडियन पीनल कोड क्या है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 55 डायरेक्ट क्वेश्चन था, आंसर इज दी 1, दैट इज इट इज़ अ कॉग्निजेबल नॉन बिलेबल एंड ट्रैवल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन. ठीक है, क्वेश्चन 55 सीरीज ए आंसर इज दी 1. यही क्वेश्चन सीरीज बी में मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 52, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 44 और सीरीज डी में यही क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 56. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 डिस्कस करते हैं, बीइंग इन द पोजीशन ऑफ अ फॉल्स वेट और अ मेजर इज पनिशेबल ऑफेंस. वापस से डायरेक्ट क्वेश्चन, इंडेक्स का क्वेश्चन है, कौन सा सेक्शन है. सो क्वेश्चन नंबर 56 आंसर विल बी द 3, यानी कि सेक्शन नंबर अंडर द सेक्शन 266 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. यही क्वेश्चन सीरीज बी में मिलेगा आपको 68, सीरीज सी में मिलेगा 55 और सीरीज डी में मिलेगा 41.
क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 हमें क्या कह रहा है, दैट इज अंडर द आईपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशेबल ऑफेंस, इनमें से कौन सा जो है वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है. डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का क्या होगा, दैट इज वन, दैट इज मेकिंग अ प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर, इसका आंसर क्या है, वन है, ये पनिशेबल नहीं होगा. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 42, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 45 और सीरीज डी में यही मिलेगा क्वेश्चन नंबर 43. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, 58 का जो है हमारा आंसर है वो है वन, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस बिफोर द चार्ज शेल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन अक्यूज्ड. सो क्वेश्चन नंबर 58 आंसर इज वन. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 56 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 53. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर क्या होगा, 59 का आंसर इज वन. क्या क्वेश्चन है, अंडर द सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी अमंग होम फॉलोइंग द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, कौन से केस में जो पुलिस है बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती. हु पर्सन हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, एक नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस करता है पुलिस के सामने. ठीक है, तो इस केस में जो पुलिस है वो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 66th क्वेश्चन, सीरीज सी में मिलेगा 46th क्वेश्चन और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 69. एंड आंसर विल बी दी वन, दैट इज हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ, दिस वन इज द आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करेंगे कि जजमेंट पास किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हर्षदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर, इस केस के अंदर वो कौन से सेक्शन से डील करता है. सो क्वेश्चन नंबर 16 एंड आंसर इज दी फोर, दैट इज सेक्शन 139 ऑफ दी सीआरपीसी से डील करता है. यही क्वेश्चन सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन 70, क्वेश्चन सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 62 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 44. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 61, विच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड. डायरेक्ट क्वेश्चन, इंडेक्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 एंड आंसर इज दी थ्री, दैट इज सेक्शन 54A. ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 64, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 39 एंड सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 50. ठीक है, सेक्शन नंबर 62 को डिस्कस करते हैं, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 105A ऑफ द सीआरपीसी आइडेंटिफाइंग इंक्लूड्स, आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है, सेक्शन 62, क्वेश्चन नंबर 62 एंड द आंसर इज 2, दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रूफ ऑफ दैट प्रॉपर्टी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 39, सीरीज सी में मिलेगा 65 और सीरीज डी में मिलेगा 64. ठीक है, आंसर क्या है, 2, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, अब मैं आपको जरा फटाफट आंसर बताऊंगी. क्वेश्चन नंबर 63, अंडर द सीआरपीसी द सिक्योरिटी ऑफ गुड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन डिसेमिनेटिंग द सेडिशियस मैटर कैन बी डिमांडेड बाय, यानी कि कौन इससे रिलेटेड डिमांड करेगा. क्वेश्चन नंबर 63 एंड आंसर विल बी द डी, दैट इज द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. यानी क्वेश्चन आंसर क्या है इसका, 4 है, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज द आंसर. ठीक है, सो यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 54, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 50 एंड डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 67. आंसर क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. क्वेश्चन नंबर 64, एविडेंस ऑफ अ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी शैल बी रिकॉर्डेड इन अ मैनर, किस मैनर में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 64 एंड आंसर विल बी दी 1, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ समन केस. ठीक है, इसे इस तरीके से समन केस की तरह प्रिस्क्राइब किया जाएगा. यही क्वेश्चन सीरीज बी में मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 48, सीरीज सी में मिलेगा 63 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 66. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65, दैट इज द ऑर्डर अंडर द सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी शैल नॉट रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन, कितने महीने से ज़्यादा आप उसको इन्फोर्स नहीं रख सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 65 एंड आंसर विल बी दी 2 months, दैट इज दी 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 एंड आंसर इज दी 1, दैट इज 2 months. ठीक है, सो यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 36,
36, सी में मिलेगा 69 एंड डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, आगे डिस्कस कर, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 66, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इस बार आरजेएस के अंदर, गैजेट के अंदर कब आया, कब इसको क्या किया था, हम लोगों ने पब्लिश किया गया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66 एंड आंसर विल बी द 25th September 1987, दैट इज द आंसर 3। ठीक है, दैट इज 25th September 1987 में से लाया गया था। यही क्वेश्चन सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 49, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 58 और सीरीज डी में मिलेगा और यही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। आई टेल द डायरेक्ट आंसर, मैं क्वेश्चन भी रीड आउट नहीं कर रही हूँ अभी क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा एंड यू विल बी बोर्ड। 67 का आंसर है आंसर नंबर 3, दिस वन। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 53, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 70 और सीरीज डी में मिलेगा यही क्वेश्चन आपको 65। ठीक है, 58, फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन 23 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन फ्रॉम अ सेक्सुअल ऑफेंसेस, विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्वेश्चन नंबर 68 एंड द आंसर इज द थर्ड, दैट इज ऑन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 और 2 ऑफ सेक्शन 23, द अक्यूज्ड शैल बी लायबल टू बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ पीरियड शैल नॉट एक्सीड शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स और फाइन विद बोथ। क्वेश्चन नंबर 68 आंसर विल बी सी, और यही क्वेश्चन आपको मिलेगा सीरीज बी में 58 और सीरीज सी में मिलेगा 38 और सीरीज डी में मिलेगा 55th क्वेश्चन। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 69 सीरीज ए, अंडर द सेक्शन 32 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, द पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड फॉर द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, कब, मतलब इसकी बेसिकली क्वालिफिकेशन बतानी है, तो क्वेश्चन नंबर 69 एंड आंसर विल बी 3, दैट उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉर नॉट लेस देन 7 साल तक वो एडवोकेट होना चाहिए, यानी कि 7 साल तक तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन विल बी 3rd, यही क्वेश्चन सीरीज बी में मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 37, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 32 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, दैट इज अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ अ वुमेन एट अ वर्क प्लेस, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेन कमिटी एट लीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए, वुमेन कितनी मेंबर्स होनी चाहिए, यानी कि वुमेन जो होंगी वो कितना टोटल नंबर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 एंड आंसर इज द 3rd, दैट इज 1/2 जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए वुमेन। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 62 और सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 37 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 63। यहीं पे आपके समाप्त होते हैं लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 को डिस्कस करते हैं, हिंदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है, कुछ ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाना है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, अध्यादेश शब्द में उपसर्ग क्या है, इस क्वेश्चन में उपसर्ग क्या है, आंसर इज दी बी, सॉरी वापस से मैं बी बोलने लग गई, दिस इज 2, दैट इज अधि। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 73, सीरीज सी में मिलेगा 85 और सीरीज डी में मिलेगा 71। क्वेश्चन नंबर 72, ढक्कन शब्द के अंदर प्रत्यय क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 एंड आंसर इज द 1, यानी अन क्या है यहाँ पे, प्रत्यय है। ठीक है, सो यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 83, सीरीज सी में मिलेगा 81 और सीरीज डी में मिलेगा 73। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, दैट इज निम्न में बहुवचन क्या है, चांदी क्रोध अहंकार आंसू, इसका आंसर क्या होगा, दैट इज द 4th वन, दैट इज आंसू। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 82, सीरीज सी में मिलेगा 79 और सीरीज डी में मिलेगा 79। क्वेश्चन नंबर 74, अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो, वाक्य में सर्वनाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हमारा 74 है और इसका आंसर जो है वो है 1, दैट इज अपना अपना इज दी सर्वनाम। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर
72, सीरीज सी में मिलेगा 75 और सीरीज डी में मिलेगा 85। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, शुद्ध वाक्य बताइए। यह बुद्धिमान स्त्री है, आदरणीय माताजी से निवेदन कीजिए, गुणवान स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है और सीता की आंखों से आंसू बह रहे हैं, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 75 एंड आंसर इज द फोर्थ, दैट इज सीता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 75, सीरीज सी में मिलेगा 78 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 80। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। निम्न में से अशुद्ध वाक्य क्या है, यानी कि गलत कौन से हैं वो बताने। मुझे आपका काम पसंद है, मोहन और उसके पिता घर पर ही हैं, वह अनेकों भाषाएं जानता है, यह कहानी प्रेमचंद की लिखी हुई है। इनमें से हमें क्या बताना है, रॉन्ग वाला बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 एंड आंसर इज दी थ्री, दैट इज वह अनेकों भाषाएं जानता है, इसका क्या होगा, शुद्ध क्या होगा, वह अनेक भाषाएं जानता है। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 78, सीरीज सी में मिलेगा 76 और सीरीज डी में मिलेगा 78। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, अक्कल का पुतला मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 आंसर इज दी टू, ठीक है, आंसर इज टू, यानी कि क्या है इसका मुहावरे का अर्थ क्या है, बुद्धिमान, अक्कल का पुतला, दैट इज बुद्धिमान। 77 आंसर इज टू। यही क्वेश्चन सीरीज बी में मिलेगा 84, सीरीज सी में मिलेगा 83 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 77 तक हो चुका है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 हमें क्या कह रहा है, कान में फूंक मारना का मुहावरे का अर्थ क्या है? सो इसमें क्या होगा, आंसर जो है वो उसका है टू, दैट इज चुगली करना, किसी की कान में बातें बोलना, ठीक है, उसकी चुगली करना। ठीक है, यही क्वेश्चन सीरीज बी में मिलेगा आपको 76, सीरीज सी में मिलेगा 82 और सीरीज डी में मिलेगा 77। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, निषेध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 79 एंड आंसर विल बी टू, दैट इज नी प्लस सेध, ठीक है, दैट इज निषेध। 79 यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 74, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 84 और सीरीज डी में मिलेगा अगेन क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, अकारण शब्द का विलोमार्थी यानी उल्टा बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा दो, सकारण, सकारण का उल्टा अकारण। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 77, सीरीज सी में मिलेगा 73 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 81। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, अनुप्रास अलंकार का कौन सा उदाहरण है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 आंसर इज दी ए, नदियां न्यारी, दिस इज दी आंसर। यही क्वेश्चन आपको मिलेगा सीरीज बी में मिलेगा 81, सी में मिलेगा 74 और डी में मिलेगा 75। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, निम्न में से सही एकवचन व बहुवचन का मेल बताइए। 82 का आंसर होगा हमारा दो, दैट इज गुड़िया का होता है बहुवचन गुड़िया, ठीक है, देवी का होता है देवियां, देवियों नहीं होता, बातें का, बात का होता है बातें, बातों नहीं होता, ठीक है, वैसे ही समझ गए मतलब आप। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 80, सीरीज सी में मिलेगा 72 और सीरीज डी में भी मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 83 की। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, निम्न में से कर्मवाचक का उदाहरण बताइए। इसमें से जो 83 का है वो है आंसर नंबर टू, यानी पत्र भेज दिया गया है, इसका आंसर क्या है, टू। अब हमारा इसका सीरीज बी में मिलेगा ये आपको क्वेश्चन नंबर 79, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 77 और डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 84 डिस्कस करते हैं, निम्न वाक्यों की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषण से बतानी है हमको, यानी इसमें स्थान की बात करनी है। मैं चला गया, कल इज नॉट अ स्थान, दे 10 बजे इज नॉट अ स्थान, दिल्ली इज अ स्थान, अकेले इज नॉट अ स्थान। सो आंसर विल बी
3। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 71, सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 80 और डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से शब्द व संधि विच्छेद का सही मेल बताना है हमको। क्वेश्चन नंबर 85 एंड इसका आंसर है हमारा 4th, दैट इज गंगा गंगोदक, गंगा प्लस उदक, दैट इज गंगोदक। क्वेश्चन नंबर 85 आंसर इज हमारा है 4। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 85, सीरीज सी में मिलेगा 71, सीरीज डी में मिलेगा 83। फिर क्वेश्चन नंबर 86, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। अब इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 86 आंसर विल बी द 4, दैट इज कैरिड थ्रू। यही क्वेश्चन सीरीज बी में मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 90। सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 96, सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर 87, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट फ्रेज, ही विल गो टू द मुंबई एंड पुट ऑफ, पुट आउट, पुट अप, पुट इन। अब इसका आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 87 एंड आंसर इज हमारा है 3, दैट इज पुट अप। ठीक है, यही क्वेश्चन सीरीज बी में मिलेगा आपको 92, सीरीज सी में मिलेगा 93 और सीरीज डी में मिलेगा 100। क्वेश्चन नंबर 88, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ। अब उन्होंने वहां से छोड़ा है तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर जो है वो है हमारा ए, हैज लेफ्ट, सॉरी वन, वापस मैंने ए बोल दिया, दिस इज वन, दैट इज हैज लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 88, दैट इज वन। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 96, सीरीज सी में मिलेगा 87 और 87 और सीरीज डी में मिलेगा 96। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 एंड आंसर है हमारा 2, दैट इज यहाँ पे एन आएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 89। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 94, सीरीज सी में मिलेगा 98 और सीरीज डी में हमें ये मिलेगा क्वेश्चन नंबर 91। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल बताना है। इंडिया विल बिकम डैश सुपर पावर शॉर्टली। क्वेश्चन नंबर 90, आंसर इज वन, दैट इज ए यूज करेंगे हम, अ सुपर पावर शॉर्टली। सो क्वेश्चन 90 आपको सीरीज बी में मिलेगा 86 में, क्वेश्चन सीरीज सी में मिलेगा 94 पे और डी में मिलेगा 97 पे। ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट 10 क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है 91, चूज द करेक्ट सेंटेंस। एक करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। 91 का जो है हमारा आंसर है वो है 2, दैट व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन द ब्रेकफास्ट। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 100 पे, क्वेश्चन नंबर 100, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 89 पे और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 93 पे। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 92 डिस्कस करते हैं। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट टू द वर्ड एक्सट्रेनियस। अब ये वाले बहुत हार्ड थे, मेरी भी गलत ही गए हैं। क्वेश्चन नंबर 92, इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज रेलेवेंट। रेलेवेंट का अपोजिट है ये मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था, पर ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, 92 का हमारा जो आंसर है, सॉरी हम क्वेश्चन नंबर क्या डिस्कस कर रहे हैं, 92 एंड 92 का, हाँ करेक्ट, रेलेवेंट इज द आंसर, दैट इज़ दी 3। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 87, सीरीज सी में मिलेगा 90 और सीरीज डी में मिलेगा 87। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, चूज अ वर्ड विच इज़ अपोजिट टू द मीनिंग। अगेन मुझे बहुत ही हार्ड लगे ये वाले क्वेश्चन, मेरे तो गलत ही गए। क्वेश्चन नंबर 93 एंड ऑप्शन इज दी 4, दैट इज अनप्लीजेंट का अपोजिट था ये। मतलब किसी को सपने में भी कैसे आएंगे वर्ड। पहली बात तो इस वर्ड का मतलब समझ में आया तो मैं इसमें से कुछ करेक्ट करूँ, पर ठीक है, नहीं आया मुझे। 93 ऑप्शन विल बी 4th वन। यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 99, सीरीज सी में मिलेगा 92 और सीरीज डी में मिलेगा 86। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड वेब, वेरबोज। पता नहीं कहाँ से चुन चुन के लाए हैं इस बार आरजीएस वाले वर्ड्स।
ठीक है, कोई बात नहीं. 94 ऑप्शन इज दी वन, दैट इज टॉकेटिव का अपोजिट है ये. ओह माय गॉड, चलो कोई बात नहीं. 94 का होगा ये. वन इज दी ए इज दी आंसर आई थिंक. सो मुझे मुझे ऐसा लगता है, पर ठीक है मुझे ज़रूरी नहीं, पर मैंने भी जितनों से पूछा उन सबसे यही लगा, सबका ऑलमोस्ट ये वाले गलत ही हुए, सब ने तुक्के मारे. तो 94 का क्या है, वन. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 95, सीरीज सी में मिलेगा 91 और सीरीज डी में मिलेगा 89 पे. क्वेश्चन नंबर 95, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड लिथार्गी. मुझे ये भी नहीं आता था. 95 इसका आंसर जो है वो है हमारा थर्ड, दैट इज लिस्टलेसनेस. इसका आंसर ये है. यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 88, सीरीज सी में मिलेगा 95 और सीरीज डी में मिलेगा 98. क्वेश्चन नंबर 96, इसमें से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हमको चूज करना था. सेंटेंस देर का था. ही सेड आई वॉज राइटिंग एन एप्लीकेशन टू अ मेयर अबाउट अ पैथेटिक कंडीशन ऑफ अ रोड. क्वेश्चन नंबर 96 एंड आंसर इज दी दिस थर्ड वन. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 97, सीरीज सी में मिलेगा 97 और सीरीज डी में मिलेगा 92. चलो आगे डिस्कस करते हैं. लास्ट फोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, इसमें भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का था. क्वेश्चन नंबर 97 आंसर इज दी फोर. मदर आस्क्ड हर सन व्हाई ही वाज लीविंग द हाउस अर्लियर दैट डे. ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 98, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 97 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 90. नाउ क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं. चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस का था. 98 का मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी. आंसर इज दी टू, लेट द नीडी बी हेल्प्ड. ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 91, सीरीज सी में मिलेगा 99 और सीरीज डी में मिलेगा 88. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 99. लास्ट दो क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव लास्ट आंसर इज द फोर्थ वन. इसका क्या है, 99 का क्या है, आंसर इज फोर्थ. दिस इज द वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स वाज कंडक्टेड सक्सेसफुली बाय द साइंटिस्ट. ठीक है, सो डी इज द आंसर. 99 का आंसर क्या हो गया है हमारा, डी. और यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 93, सी में मिलेगा 86 और डी में मिलेगा 95. अब 95 है ना. और लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ये तो थोड़ा इजी था, इसका मोनोटोनस की स्पेलिंग देखनी थी बेसिकली आपको. इसका जो क्या है आंसर, आंसर इज दी बी, सॉरी दैट इज टू, दिस वन, मोनोटोनस. ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सीरीज बी में मिलेगा 89 पे, सीरीज सी में मिलेगा क्वेश्चन 88 और सीरीज डी में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 94. सो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस आरजेएस प्रीलिम्स 2021. और 28 नवंबर को ये पेपर हुआ है हमारा. जहाँ तक कि मैं बात कट ऑफ की करती हूँ, मैंने जहाँ से, एक्चुअली आई एम नॉट द सोर्स, मेरे जो सोर्सेस हैं उनके थ्रू मैंने ये चीज़ देखी है. तो मैं कट ऑफ, अच्छा चलो मैं कट ऑफ नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करूँगी. यहाँ पे केवल मैं आंसर की आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ. ये एक्सपेक्टेड आंसर की है, हाई कोर्ट की आंसर की अलग आएगी, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं. लेकिन अभी आपको चेक करनी है तो दिस इज़ द एक्सपेक्टेड आंसर की. अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मैं रीसेंट चीज़ों के बारे में भी आपको बताते जाऊंगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे. सो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट इन द सेक्शन. कोई भी इशू हो, कोई थोड़ा नंबर इधर उधर हो गया हो, उस चीज़ के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे भी मैं अपनी आंसर की जल्द ही डाल दूंगी इसको बनाकर. अभी मैंने रफली मेंटेन की थी, थोड़ी सी फेयर आउट करके आई विल पोस्ट दी आंसर की ऑन द इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ऑल्सो. So this is it for the video. Please do subscribe to the Judiciary Academy and follow me on the Instagram with my name Judiciary Just Legal Laws. Thank you so much. Till then, okay, tata, bye bye, good night.